सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूं, मैडम सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूं, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी होना चाहिए। माता काली हो, हसरत आयशा हो, होली मदर मेरी हो, जो कोई भी स्पिरिचुअल आइकन, जो कोई भी रिलीजन का हो, उसका आदर कर लेना चाहिए। हमारा भारत का संस्कृति और हमारा भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही कहा है, 153-295A, इसीलिए डाला गया कि हेट स्पीच का नो रेडिएशन ना हो। लीना ने जो किया वो एक हेट पोस्टर है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को डीमीन करने के लिए, हिंदुओं को इंसल्ट करने के लिए उन्होंने एक हेट पोस्टर डाला। मैंने और हमारे ग्रुप ने श्री एम एफ हुसैन के खिलाफ केरला हाईकोर्ट में गया, हम सिर्फ यही कहा एम एफ हुसैन साहब को हम आदर करते हैं, वो बहुत बड़ा पेंटर है, मगर उसका कई सारा पेंटिंग्स ऐसा है जो हेट पेंटिंग्स होगा, जो हिंदुओं को डीमीन करेगा, हमारा देवी देवताओं को डीमीन करेगा। इसीलिए सभी धर्म को, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, भगवान श्रीराम हो, स्वामी अय्यप्पा हो, जीसस क्राइस्ट हो, भगवान बुद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म का सभी आइकनों का रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। लीना ने नो सस्ती पब्लिसिटी के लिए यह सब किया, उसके कड़ी निंदा होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए, और इंडियन हाई कमीशन कनाडा में उसके साथ प्रोटेस्ट किया, बहुत नो अच्छी अच्छी अच्छा तरीका से रेस्पॉन्ड भी किया। इसी तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडरेट रेस्पॉन्स भी होना चाहिए। मनोजीता क्या गलत कह रहे हैं वो? नहीं आप बोलने दीजिए, थोड़ा आप उन लोगों को बोलने देते, मैं तो अकेला हूं ना। देखिए आपको मैं एक कवि का नाम बता रहा हूँ, उनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। राम जी को उनके जो सबसे बड़ा काव्य है वहां पे विलन बनाया था आज से 150 साल पहले, 1861 में रिलीज, नाम है मेघनाथ बध काव्य, आप पढ़ी होगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर राम जी को एक मानव कहा था, इस तरह का मानव जो देवता बन गए थे, इसीलिए हम उसको पूछते हैं, तब इनके खिलाफ आप पाबंदी लगाओगे? ये क्या बात है, ये एक इमेजिनेशन है। मे बी एक दिस इज नॉट गुड टेस्ट, बट आप लोग इनको छोड़ दीजिए, आप लोग क्यों पब्लिसिटी दे रहे हो? आप लोगों का फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि वोमेन इज स्मोकिंग। अरे माता भी, कोई कई माता भी जो गांव में रहते हैं वो भी बीड़ी पीते हैं, आप जाके देखिए। अगर स्मोकिंग बैन है फॉर हेल्थ रीजन, ये बैन होना चाहिए सबके लिए। आपका प्रॉब्लम सब यही है। ये काली माँ छोड़ो, काली माँ को आप कितना पूछते हैं आप सब जानते हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा काली माँ का पूजा जाता है। आप लोगों का प्रॉब्लम ही है, दिस इज हाईली पेट्रियार्कल पितृतांत्रिक मानसिकता है कि वुमन इज सीन टू बी स्मोकिंग। आप इसको पैट्रियार्की से जोड़ रहे हैं, लेकिन मोनोजीत दा मेरा एक सवाल सुनिए, इमेजिनेशन है, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलना इस्लाम का अपमान है। मोनोजीत दा, प्रॉफिट मोहम्मद मोनोजीत दा एक ऑफेंस है, ये क्या है मोनोजीत दा? प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलना इस्लाम का अपमान है, तो माँ काली को ऐसे दिखाना हिंदू धर्म का अपमान क्यों नहीं है? ये आपके सेलेक्टिव स्टैंड क्यों है सर? उत्तर सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए। जो कहा गया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में वो एक पब्लिक स्पीच थी, वो एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल स्पीच है, इमेजिनेशन है। मे बी ये घटिया इमेजिनेशन आपके खिलाफ, आपके जो दायरे में घटिया हो सकते हैं, लेकिन दैट पर्सन वॉज स्पीकिंग एज ए पोलिटिकल पर्सन, पब्लिक स्पीच, और वो भी एक हिस्टोरिकल फिगर के खिलाफ। मोहम्मद इज ए हिस्टोरिकल फिगर, प्रोफेट इज ए हिस्टोरिकल फिगर, एंड माँ काली इज लेजेंड्स, मीथ, देयर आर प्लेंटी ऑफ मीथ। मोहम्मद के साथ हम पूरा सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने ठीक कहा है, एक तरह का एक लेजेंड है जिसको हम संहार काली कहते हैं, जो तांत्रिकों के फेवरेट होते हैं। काली का बहुत रूप है, महाकाली है, संहार काली है, दक्षिणा काली है, जो संहार काली है, जो डिस्ट्रक्शन के रूप है, वो तांत्रिक लोगों के फेवरेट होते हैं, उनका एक ग्रुप है। ये लगा है कि संहार काली जो प्रोटेक्ट कर रही है ऑप्रेस्ड को, सप्रेस्ड को, जैसे कि एलजीबीटी, जैसे कि वोमेन,